हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अर्जुन एजुकेशन। आज हम बात करेंगे अलेक्जेंडर पोप की पोएम एंड एपिसल टू डॉक्टर आर्बुथनॉट की, जो कि 1735 में पब्लिश हुई। तो उससे पहले हम बात करते हैं अलेक्जेंडर पोप की। ही वॉज बॉर्न इन 1688 इन लंडन इन अ रोमन कैथोलिक फैमिली। ही वॉज अ सिकली एंड अ वेरी डेलिकेट चाइल्ड। और क्योंकि वो बीमार रहता था और उसके पास कोई और प्रोफेशन नहीं था जाने लायक, तो उसने अपने बुक्स को ही अपना फ्रेंड बना लिया। पोप हैड अ वेरी मिजरेबल बॉडी। वो हेडेक्स का शिकार था और उसकी फिगर भी बड़ी क्रूव्ड और डिफॉर्म्ड थी, मगर फिर भी उसने अपनी विल पावर के दम पर इंग्लिश लिटरेचर में एक बहुत बड़ा मुकाम हासिल किया। उसकी सेटिरिकल पोएम्स डांसियर्ड और द रेप ऑफ द लॉक इंग्लिश लिटरेचर में एक खास वैल्यू रखती हैं। एन एपिसल टू डॉक्टर आर्बुथनॉट पोप के क्रिटिक्स एडिसन एंड लॉर्ड हर्वे पे एक बाइटिंग सटायर है। सटायर में हम किसी की फॉलीज या कमियों का मजाक बनाते हैं। ये पोएम इनिशियली एक फ्रेगमेंटेड पोएम के रूप में लिखी गई है, मतलब कि इसको कभी भी एक पोएम की तरह नहीं प्लान किया गया। इसके डिफरेंट पार्ट्स डिफरेंट टाइम्स पे लिखे गए हैं। पोप 1715 से लेके 1722 तक इस पोएम को अलग अलग टाइम पे लिखता रहा। एपिसल मीन्स लेटर एंड डॉक्टर आर्बुथनॉट वॉज अ फिजिशियन एंड फ्रेंड ऑफ पोप, मगर ही वॉज ऑल्सो ए वेरी गुड पोइट एंड क्रिटिक, और वो क्वीन एनी के पर्सनल फिजिशियन भी रहे। ये पोएम पोप ने एक लेटर की फॉर्म में डॉक्टर आर्बुथनॉट को लिखी है, जो कि किसी किसी पॉइंट पे पोप को इंटरप्ट करके अपनी सजेशन या एडवाइस भी देता है। पोएम 419 लाइन्स की है और हेरोइक कपलेट में लिखी गई है। हेरोइक कपलेट एक क्लोज्ड मीटर है जिसमें आयम्बिक पेंटामीटर में लाइंस लिखी जाती हैं, और इसकी राइम स्कीम ए ए बी बी सी सी इस तरह से चलती है। पोएम से पहले एक एडवर्टाइजमेंट है जिसमें पोप इन्फॉर्म्स अस दैट ही फेल्ट कंपेल्ड टू पब्लिश दिस पोएम एज अ डिफेंस ऑफ हिमसेल्फ अगेंस्ट क्रिटिसिज्म, कि जो लोग उसका क्रिटिसिज्म करते हैं, उसकी पर्सनालिटी का, उसके मॉरल्स का, उसकी फैमिली का, और वो लोग बहुत एक हाई रैंक और फॉर्च्यून वाले हैं, जिनके पास पैसा भी बहुत है, रैंक भी है बाय सम पर्सन्स ऑफ रैंक एंड फॉर्च्यून, और ऑल्सो वो पोइट्स भी हैं, राइटर्स भी हैं। सो पोप अपने रीडर्स को अपने बारे में सही इन्फॉर्मेशन देनी चाहता है इस पोएम के थ्रू, ताकि वह अपने क्रिटिक्स के द्वारा बनाई गई उसकी इमेज को ही पोप की सच्चाई ना समझ लें। पोप किसी का नाम तो नहीं लेता जैसा कि उसको डॉक्टर आर्बुथनॉट एडवाइस करते हैं, मगर फिर भी हम समझ सकते हैं कि उसके क्रिटिक्स या फिर उसके राइवल्स की बात हो रही है। पोएम की स्टार्टिंग पोप के अपने सर्वेंट के दरवाज़ा बंद करने के ऑर्डर से होती है, क्योंकि उसके दरवाजे के बाद बहुत सारे अनवर्दी और बडिंग पोइट्स सुबह सुबह ही आ गए हैं और पोप उनसे मिलना नहीं चाहता। इसकी दो वजह हैं, एक तो ये कि उनकी पोइट्री बहुत ही बेकार और डल है और पोप वो पढ़ना नहीं चाहता, और दूसरी ये कि अगर वह उन्हें एंटरटेन करता है तो वो फिर से नई पोएम्स लेके आएंगे। इन लोगों ने पोप का जीना मुश्किल कर दिया है और वो पोप को हर जगह, यहाँ तक कि चर्च और उसके बेडरूम में भी फॉलो करते हैं। वे पोप का फेवर चाहते हैं ताकि पोप उनके वर्सेस को पढ़ के उनकी तारीफ करे, और अच्छा है तो पब्लिशर भी ढूंढ के दे, उनको पब्लिश करवाए, और अगर बुरा है तो उनको करेक्ट करे। इन पोएटेस्टर्स में प्रीस्ट, सेंटिमेंटल वुमेन, लॉयर का बेटा, यहाँ तक कि प्रिजनर्स भी हैं जो सब अपने काम छोड़ के पोइट बनने की सोचने लगे हैं। इनमें से कुछ पोइट्स बहुत फाइनेंशियल क्राइसिस में हैं, जो कि ड्रारी लेन नाम की एक लोकेलिटी में रहते हैं, और वो चाहते हैं कि उनकी पोएम्स जल्दी से जल्दी पब्लिश हो जाए। इसके लिए वह पोप का फेवर चाहते हैं। कुछ बडिंग ड्रामाटिस्ट भी पोप से मिलना चाहते हैं, और वो चाहते हैं कि पोप उनको कोई काम दिलवा दे, और कुछ चाहते हैं कि थिएटर मैनेजर्स की रिकमेंडेशन हमें दे दें ताकि उनका जो प्ले है वो स्टेज हो सके। इसके लिए सब लोग पोप को अलग अलग तरह के लालच देते हैं। डॉक्टर आर्बुथनॉट पोप को एडवाइस करते हैं कि इन पोइट्स के नाम मत लो, क्योंकि इनके लिंक्स बहुत इन्फ्लुएंशियल लोगों के साथ भी हो सकते हैं। मगर पोप यहाँ किंग मिडास, जिसके गधे जैसे बड़े कान हो गए थे, उसकी वाइफ का रेफरेंस देते हैं कि जैसे उसकी वाइफ का ये सीक्रेट आउट किए बिना चैन से सोना मुश्किल हो गया था, उसी तरह पोप भी जब तक इन पोएटेस्टर्स का नाम नहीं ले लेता तो वो चैन से नहीं बैठ पाएगा। पोप ने अपने सटायर डंसियार्ड में ऐसे ही पोएटेस्टर्स को डिस्क्लोज किया है।
पोप को लगता है कि इसमें कोई बुराई या क्रुएलिटी नहीं है। कॉडरस, जो कि एक एंशियंट वर्थलेस पोइट था, उसका नाम पोइट ने सारे वर्थलेस पोइट्स के लिए यूज़ किया है और कहा है कि दे पोइट्स आर एक्चुअली स्टूपिड, और अगर वो स्ट्यूपिड हैं तो वो ये समझ ही नहीं पाएंगे कि उन पे अटैक हो रहा है, किस तरह से हो रहा है, क्योंकि वो इस लेवल तक विटी नहीं है। इनको जब इनके प्लेज में जब ऑडियंस हंसती है इन पे कि इतने घटिया इनके प्लेज होते हैं, तब भी ये लोग अनअफेक्टेड रहते हैं क्योंकि ये डम है। ये कॉली सिबर, जॉन हेनले, एम्ब्रोज फिलिप और मूर स्माइथ जैसे लोग, अगर इनको कोई इफेक्ट होता तो ये घटिया काम करना अब तक छोड़ चुके होते। सो पोप अपनी बात कायम रहता है कि वो इन लोगों का नाम लेना कभी नहीं छोड़ेगा। फ्लैटरी के बारे में पोप कहता है कि ये क्रिटिसिज्म से भी ज़्यादा डेंजरस है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो आपकी मुंह पे बेइज्जती कर देते हैं या आप पे अटैक करते हैं सटायर्स के थ्रू किसी भी तरह से, लेकिन वो लोग इतने हार्मफुल नहीं हैं जितने आपके फ्लैटरर्स होते हैं जो कि मुंह पे आपकी तारीफ करते हैं और असल में आपकी पीठ पीछे छुरा घोंपते हैं। यही लोग हैं जो पोप का कंपैरिजन वर्जिल, ओवर्ड और होरेस जैसे बहुत बड़े बड़े पोइट से करते हैं। पोप हमें ये रीज़न देता है कि उसने पोइट्री को एज अ प्रोफेशन क्यों चुना आगे चल के। तो उसके लिए पोप हमें कहता है कि पोइट्री केम टू हिम नेचुरली एंड स्पॉन्टेनियसली फ्रॉम हिज चाइल्डहुड, कि मतलब जब वो पोइट्री लिखता है तो उसको इतना कंफर्टेबल लगता है। उसने अपनी बिलवड या वाइफ के प्यार में ऐसा करना शुरू नहीं किया। उसके फ्रेंड्स विलियम वॉल्श, ग्रैनविल और विलियम कॉनग्रीव ने उसे इनकरेज किया और पोइट्री लिखना उसे अच्छा लगता था, इसलिए उसने पोइट्री लिखना शुरू किया। और वो ये कन्फेस भी करता है कि उसकी शुरुआती दौर की पोइट्री बहुत फ्लावरी और डेकोरेटिव सी थी, मगर फिर जल्दी ही उसने मॉरलिस्टिक और वर्चुअस लिखना शुरू कर दिया। मगर उसने कभी किसी को ऑफेंड नहीं किया और ना ही किसी के क्रिटिसिज्म को रिस्पॉन्ड किया। चार्ल्स गिल्डन, जॉन डेनिस जैसे क्रिटिक्स ने उसको बहुत रिडिक्यूल किया, मगर पोप कहता है कि वह जस्टिफाइड क्रिटिसिज्म को ग्रेसफुली एक्सेप्ट करता है और अपने आप में सुधार करने की भी कोशिश करता है। वो कुछ क्रिटिक्स को उनके एक्सेसिव टेक्निकल एटीट्यूड और फॉर्मलिज्म के लिए भी क्रिटिसाइज करता है, क्योंकि वो लोग स्पेलिंग मिस्टेक्स, कॉमास, फुल स्टॉप ये चीज़ें तो देखते हैं, लेकिन पोइट्री का कंटेंट उनके लिए कोई ख़ास इम्पॉर्टेंस नहीं रखता और पोप उनको शैलो माइंडेड कहता है और अपने इस एटीट्यूड को जस्टिफाई भी करता है। वो एडिसन तक, जो इतना बड़ा पोइट है, उसको भी नहीं बख्शता, जो कि ऑब्वियसली है तो एक जीनियस, मगर वो उसको एक ऐसा पोइट बताता है जो कि किसी को भी एनकरेज नहीं करता और वो अकेले ही इस लिटरेचर के पूरे एम्पायर को रूल करना चाहता है। अब एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से आपको जो एडिसन का, जिस तरह से एडिसन को सटायर मारा है पोप ने, रिडिक्यूल किया है, उस पर आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है। पोप ने एडिसन को एटिकस के नेम, एटिकस जिसका पूरा नाम पम्पोनियस एटिकस था और वो एक रोमन एम्परर था, इसके नाम के अंडर उसे क्रिटिसाइज किया है। ये एम्परर अपने नोबल आइडियल्स के साथ बहुत स्ट्रिक्ट था, मगर मॉडर्न एटिकस यानी कि एडिसन में ये क्वालिटी नहीं है और वह किसी भी फेलो पोइट्स को ऊपर उठने नहीं देता। एंड ही स्टार्ट्स टू फील जेलस, ही नेवर प्रेजेस एंड द वर्थी पोइट्स, और अगर वो करता भी है तो वह बहुत फीबल वॉइस में, और बुरे पोइट्स को कंडेम भी नहीं करता क्योंकि वह किसी को अपना दुश्मन नहीं बनाना चाहता ताकि उसको कोई सटायर नहीं मार सकेगा। सो उसके लिए पोप ने लिखा है कि ही वॉज सच अ पर्सन हु विलिंग टू वूंड बट अफ्रेड टू स्ट्राइक, और वो अपना पूरा टाइम फ्लैटरर से घिरा रहता है, और ऐसा बिहेवियर हम एडिसन जैसे कैलिबर के पोइट से एक्सपेक्ट नहीं करते। फिर पोप कहता है कि वो एक पॉपुलर पोइट है और उसके एडवर्टाइजमेंट हर न्यूज़पेपर और वॉल्स पे बोल्ड रेड कैपिटल लेटर्स में लिखे होते हैं और उसकी शान में ओड्स भी लिखे गए हैं, मगर वो इन पे ध्यान नहीं देता। फिर पोप बुफो के नाम के अंडर उन सारे पेट्रंस को क्रिटिसाइज करता है जो पैट्रनेज के बदले अपनी फ्लैटरी चाहते हैं। यहाँ वो बब डोडिंगटन और अर्ल ऑफ हेलिफैक्स की बात करता है जो कि पैट्रंस भी हैं और पोइट भी हैं।
इन फ्लैटरी के बदले वो बडिंग पोइट्स को अपने घर पे इनवाइट करते हैं और वो पोइट्स उसकी लाइब्रेरी में मतलब उनकी पिक्चर भी लगेगी बाद में कि उसको ये ऑनर मिलेगा फ्लैटरी करने का। मगर पोप इसे अच्छा नहीं समझता और इससे अच्छा उसे लगता है कि वो जॉन गे जैसे जेन्युइन पोइट्स की कंपनी इंजॉय करे, क्योंकि उसे सारे पेट्रंस निगलेक्ट करते हैं क्योंकि वो एक वाकई में अच्छा पोइट है मगर वो फ्लैटरी करना पसंद नहीं करता। पोप को लगता है कि वो ये सब करने के लिए पैदा नहीं हुआ है, उसे कोर्ट या पॉलिटिक्स में कोई इंटरेस्ट नहीं है। वो एक गॉड फियरिंग पर्सन है जो कि पोइट्री के अलावा बाकी रिलेशंस, फ्रेंडशिप्स, फैमिली ऐसे इंस्टीट्यूशन में भी यकीन रखता है। उसे दूसरों की लाइफ में कोई इंटरेस्ट नहीं है, जैसा कि लोग उसके बारे में इतना इंटरेस्ट लेते हैं कि आज वो स्विफ्ट के साथ मिला था तो मे बी कोई नई पोएम वो लिखने वाला है, तो इस तरह की चीज़ों में वो यकीन नहीं रखता। वो पॉइंट्स आउट दैट पोइट्री किसी के दुख की वजह नहीं बननी चाहिए। वो ऐसे पोइट्स को कंडेम करता है जो लोगों की रेपिटेशन पे अटैक करते हैं या जिसकी वजह से, ऐसी पोइट्री की वजह से किसी को दुख पहुँचे या किसी की इज्जत को ख़तरा पहुँचे या किसी का पीस ऑफ माइंड डिस्टर्ब हो जाए, वो ऐसी पोइट्री को कंडेम करता है। और वो ये भी मानता है कि पोइट्री की गलत इंटरप्रिटेशन नहीं की जानी चाहिए, जैसा कि उसके खुद के साथ हुआ जब उसकी लिखी पोएम उसी को डिफेम करने के लिए यूज़ की गई। पोप ने एक पोएम लिखी थी एपिसल टू बर्लिंगटन, उसमें पोप ने किसी फिक्टिशियस मैंशन की बात करी थी जो असल में है ही नहीं, मगर कुछ क्रिटिक्स ने इसे ड्यूक ऑफ शेंडोर्स का मैंशन बताकर पोप की रेपिटेशन डिफेम करने की कोशिश की। इन सभी को भी पोप ने इस पोएम में क्रिटिसाइज किया है। फिर आगे लॉर्ड हर्वे, उसको पोप ने स्पोरस के नाम के अंडर क्रिटिसाइज किया है। दोस्तों इस पे भी आपको एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। एक्चुअली स्पोरस वाज अ यूनक, यूनक मींस एन इम्पोर्टेंट मैन एट द कोर्ट ऑफ एंशियंट रोमन एम्परर नीरो। ये स्पोरस क्योंकि ये इफेमिनेट है और फैमिनिन है और इसके थ्रू पोप वॉन्ट्स टू कन्वे दैट लॉर्ड हर्वे एक इनइफेक्टिव और हेल्पलेस काइंड ऑफ अ पर्सन है, जबकि वो क्लेम करता है कि ही इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड पावरफुल। हिज टॉक्स एंड मैनर्स वर सिली, जिससे सब इरिटेट हो जाते हैं कुछ ही देर में, और वो एक शैलो माइंडेड पर्सन है बट यूजेज वेरी बॉम्बास्टिक वर्ड्स इन पार्लियामेंट। ही इज़ अ करप्ट एंड वेनोमस विच कैन बी कंपेयर्ड इवन टू सेटन। वो उसका कंपेरिजन सेटन के साथ भी करता है क्योंकि वो अपना फ़ायदा लेने के लिए किसी भी हद तक गिर सकता है और कोई भी रूप बदल सकता है। पोप फिर से अपने कैरेक्टर के ट्रेड्स के बारे में बताता है, क्योंकि ये पोएम एक ऑटोबायोग्राफिकल पोएम है, इसमें बहुत सारे ऐसे एलिमेंट हैं जो पोप की पर्सनल ज़िंदगी से ताल्लुक रखते हैं, तो ऐसा भी क्वेश्चन आपसे एग्जामिनेशन में पूछा जा सकता है कि इस पोएम में, एपिसल टू डॉक्टर आर्बुथनॉट में, ऐसे कौन से पॉइंट हैं जिसके थ्रू आपको ये लगता है कि ये एक ऑटोबायोग्राफिकल पोएम है। तो यहाँ पे वही वो बात कर रहा है कि वो एक फैशन, मनी, पावर या एम्बिशन का ब्लाइंड फॉलोअर नहीं है, रादर ही इज़ अ वर्शिपर ऑफ वर्च्यू जो कि करप्ट और पॉल्यूटेड लोगों को कभी माफ़ नहीं करता। एक विलन और एक बुरा आदमी उसकी नज़र में हमेशा विलन ही है, चाहे वो कितना भी इन्फ्लुएंशियल क्यों ना हो। उसने अपने एनिमीज लाइक थियोबाल्ट, कॉलीसिबर, स्माइद और डेनिस के हाथों बहुत सफ़र किया है, मगर फिर भी रिटेलिएट नहीं किया। यहाँ तक कि उन लोगों ने पोप के पेरेंट्स को भी क्रिटिसाइज़ किया, बट पोप ने ये सारा कुछ टॉलरेट कर लिया। फाइनली पोप अपने पेरेंट्स को एक ट्रिब्यूट देता है और कहता है कि उसके पेरेंट्स फ्लॉलेस और इनोसेंट हैं, वो गॉड फियरिंग पर्सन हैं, दोनों बहुत ही रिस्पेक्टेबल फैमिली से हैं और वो पॉलिटिकली और रिलीजियसली फनेटिक भी नहीं हैं, रादर वो बहुत हम्बल हैं और ऑनेस्ट हैं, वो सिर्फ दिल की भाषा जानते हैं। अब उसकी मदर बेडरिडन है और फादर अब नहीं है, बट पोप चाहता है कि वो अपनी माँ की बहुत सेवा करे ताकि वो कुछ समय और ज़िंदा रह सके। पोप पोएम को आर्बुथनॉट के लिए एक सिंसियर जो विशेस के साथ ये पोएम ख़त्म होती है और वो चाहता है कि उसका दोस्त और गाइड हमेशा हैप्पीनेस और प्रॉस्पेरिटी हासिल करे। तो दोस्तों
आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा हमें ज़रूर बताइए. थैंक यू.